नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और आज मेरे साथ खेल रहे हैं ट्रेडर्स डायरी अरमान नाहर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अरमान संकेत आते हुए दिख रहे हैं, टीसीएस के कल नंबर्स भी आए, तो देखना होगा कि आज हमारे बाजारों पर रिएक्शन कैसा है। क्योंकि कल के सत्र में नंबर्स के पहले अगर आप देखें तो अगर निफ्टी को खासकर अगर कोई बढ़ाने वाला था तो वो टीसीएस थी। 3% की दमदार तेजी के साथ वहां पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी, पर नंबर्स मिले जुले मुझे तो यही लगे कि नंबर्स में टॉप लाइन आपको अच्छी दिखेगी पर कहीं ना कहीं जो बॉटम लाइन है वो थोड़ी सी अनुमान से कमजोर होती हुई दिखी थी। तो टीसीएस के जो नंबर्स हैं उसका इम्प्लीकेशंस आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे उस पर, किस तरह से इसका जो इम्पैक्ट है आज भारतीय बाजारों पर कैसा रहने वाला है, कल की जो तेजी है क्या वो स्टेबलाइज रहेगी या फिर कल की तेजी ये पूरी गंवाता हुआ नजर आएगा, इसका बड़ा सवाल जो है जवाब आपको बाजार खुलने के बाद अपने आप मिल जाएगा। बट डेफिनेटली अभी जो इंडिकेशन है एसजीएक्स निफ्टी कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है, 20 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, तो बहुत ज्यादा प्लस या माइनस की पोजिशन अभी तो नहीं लग रही है। एक बार ही अमेरिकी बाजारों का किस तरह का कल का रुझान बना हुआ है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। डाउ जोन्स आप देखिए ऊपरी स्तरों से भारी गिरावट, हेडलाइंस में भी आपको बता रहे थे कि 400 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से होती हुई दिखी थी, लगभग 112 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई है 0.3% अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे। पर दूसरी तरफ नैसडैक का चार्ट अगर आप लेके आएंगे तो टेक शेयरों में यहां पर जो खरीदारी लौटती हुई दिखी थी उस वजह से ऑलमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ बंद होते हुए भी नजर आए, क्योंकि हालांकि यहां पर भी ऊपरी स्तरों से आपको सेकेंड हाफ में गिरावट का रुझान ही बनता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस यही है कि आज यहां पर एक लेवल पर तो अच्छी तेजी बनेगी पर उसके बाद हो सकता है कि क्लोजिंग के दौरान हमारे यहाँ के बाजार भी इसी पैटर्न को रेप्लिकेट करते हुए दिखे। बट डेफिनेटली हमारे लिए 2-3 बहुत ही अच्छे पॉजिटिव क्यूज हैं। कच्चा तेल आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो रखा है 79-80 के आसपास। दूसरी तरफ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो डॉलर इंडेक्स है वहां पर 103 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है, जो कि 110-112 हम लोग हमेशा डॉलर इंडेक्स ही देखा करते थे जब जिस तरह की तेजी वहां पर होती हुई दिखी थी, और उसका इंप्लीकेशन हमारे बाजारों के लिए एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेटर है। तो ओवरऑल जो सेटअप है मिला जुला है, हालांकि कल जिस तरह का तेजी का मोमेंटम बना है आज ये जारी रहता है नहीं ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि आज जो मोमेंटम है थोड़ा पॉजिटिव साइड पर ही मैं बायस लेकर चल रहा हूं, और इसी वजह से मेरी टीम में सभी के सभी स्टॉक्स खरीदारी के हैं। अरमान आप किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल बाजार को और आपकी कितनी बाय और कितनी सेल है? देखिए मैंने एक ही सेल लिया है और वो एक भी सेल लिया है उसमें बहुत कंफ्यूजन था, उसको जितना पड़ा उसमें और कंफ्यूजन आता गया, पर ओवरऑल कुछ इंडिकेटर्स ऐसे थे जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सका, तो मैंने उस बेसिस पे एक ही सेल लिया है, बाकी सब बाय लिए। तो चलिए अरमान की तरफ से एक सेल है, कौन सा सेल है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं इसी के साथ, और अरमान आप बताएं कि कैश सेगमेंट इसमें कौन सा स्टॉक आपने चुना है? देखिए कैश सेगमेंट में मैंने चुना है इकॉन इंटरनेशनल। अब अगर आपको पता होगा कि जैसे अब जब Q3 हो जाता है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सबके आते हुए रहते हैं, तो उसमें Q3 में अगर आप देखेंगे जो लेटेस्ट अभी Q3 में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है उसमें आपको दिखेगा Q3 में FPIs ने अपनी होल्डिंग जो है इकॉन इंटरनेशनल में 1.96% से बढ़ाकर 2.72% कर दी है। एक तो उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई, उसके साथ ऐसा भी है कि टोटल नंबर ऑफ FPIs जो है उनकी भी जो नंबर संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, वो बढ़ के 59 से बढ़कर 71 हो गई। रेलवे स्पेस अगर आप देखेंगे ओवरऑल यूं ही बजिंग और बजट तक आपको यहां पर बढ़िया मूवमेंट आना ही है। उसी के साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इसमें अगर आप इनके अर्निंग्स कॉल पढ़ेंगे, अगर पिछले 2-3 अर्निंग्स कॉल पढ़ेंगे तो लगातार जो चेंज हो रहा है वो इंटरेस्टिंग है। एक तो कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 40,000 करोड़ के आसपास की है जो कि 5 साल का रेवेन्यू का आगे फिगर दे रही है, बट इंटरेस्टिंग ये है कि अब इनके जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 50-50% नॉमिनेशन और बिडिंग में आ गई है। उसका मतलब क्या है, पहले अगर आप देखेंगे पहले सिर्फ अगर नॉमिनेशन में रहता था वो जो कॉस्ट मॉडल था वो कॉस्ट प्लस मार्जिन मॉडल था जिसमें 8 या 9% का उनको मार्जिन मिलता था कॉस्ट के अलावा, पर बिडिंग में अब क्या है, बिडिंग में अब वो जो कैप है वो हट गई है क्योंकि वो मार्जिन जितना भी अगर आप बना सकते हैं वो अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसमें कितनी एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बढ़िया टर्न अराउंड है ओवरऑल के हिसाब से अगर आप देखेंगे, और ये जो ऑर्डर बुक है 50-50% होती भी दिखी है तो इसका भी फायदा आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। ऑर्डर बुक तो बढ़िया है ही सही, और FPIs में भी अब उनकी जो FPIs की जो हिस्सेदारी है वो भी उन्होंने बढ़ाई और कुल संख्या भी बढ़ती हुई दिखी है। तो कैश में मेरे हिसाब से इकॉन इंटरनेशनल आपको बाय करना है, टारगेट रखना होगा 63 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 60.5 का। बिल्कुल अरमान, तो चलिए इकॉन इंटरनेशनल यहाँ पर जो तर्क सामने आ रहे हैं निकलकर, डेफिनेटली FPIs की जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है आपको इकॉन इंटरनेशनल खरीदारी का मौका बन सकता है। चलिए कैश सेगमेंट से मेरी तरफ से है LT Foods राइस
रिलेटेड स्टॉक है यहाँ पर, और खासकर एक्सपोर्ट्स पर इनका बड़ा फोकस भी रहता है। अब आप यहाँ पर चुनने की वजह इसको ये है कि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है कि सरकार जो है चावल एक्सपोर्ट पर रोक हटा सकती है, क्योंकि जिस तरह से सप्लाई बढ़ती हुई दिखी है उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट्स पर जो रोक लगी गई थी वो हट जाती है तो डेफिनेटली जितने भी चावल रिलेटेड आज स्टॉक है उन सबको आज आपको रेडार पर रखना चाहिए। तो इस वजह से एलटी फूड्स में आज अच्छा रुझान बन सकता है। एक खबर के आधार पर 121 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 115 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है डेरिवेटिव स्पेस की, और यहाँ पर सबसे पहला कॉल है फ्यूचर्स का, और इसमें मैंने चुना है इन्फोसिस। काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था जैसा कि अरमान आप बता भी रहे थे, बट डेफिनेटली TCS की जब नंबर्स कल मैं रिव्यू कर रहा था, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी, तो उसमें एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी जिसमें ये कह रहे हैं, और इनफैक्ट इनका एक्चुअली प्रेस रिलीज में ये लिखा हुआ भी था कि जो इनका ग्रोथ हुआ है उसमें वेंडर कंसोलिडेशन एक बड़ा फैक्टर प्ले आउट करता हुआ दिखा है, जो कि इनको मार्केट शेयर गेम्स करने में हेल्प किया। तो डेफिनेटली जो बड़े प्लेयर्स हैं मुझे लग रहा है कि आज वहाँ पर फोकस रखना चाहिए, एंड ऑब्वियसली प्राइस मल्टीपल के हिसाब से TCS हो सकता है कि फैक्टर्ड इन हो, बट इन्फोसिस मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरह की प्राइसिंग है अगेन एक अच्छा खरीदारी का मौका बन सकता है। तो इस वजह से मैंने इस स्टॉक को चुना है, एंड लार्ज IT प्लेयर्स पर आज मेरा फोकस रहेगा कि हो सकता है कि वहाँ पर आज थोड़ी और तेजी बनती हुई नजर आए जिस तरह की कॉमेंट्री कल TCS के नंबर्स में आते हुए दिखी। तो इन्फोसिस 1530 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 1470 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो मेरी तरफ से फ्यूचर्स में इन्फोसिस है। अरमान आप क्या लिया? मैंने कहा कि जिसमें मेरे को जितना पड़ रहा था मेरे को और कंफ्यूजन आ रहा था वो है TCS, और मैं यहाँ पर इसके फ्यूचर सेल कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि ओवरऑल मैं मुझे पता है क्या लगा अरमान, आप माइचूस कैटेगरी में जाके बताए कि आपने तो फ्यूचर्स में ही बता दिया। बिल्कुल वो कंफ्यूजन इस तरीके से हो रहा था, कंफ्यूजन अभी क्लियर, सबसे पहले क्लियर कर दिया ताकि बाकी मैं आसानी से निकल जाए। तो सबसे पहले मैंने TCS सेल करने का रीजन ये है, देखते एक तो अगर मैं आप जो जनरली अगर आप TCS के अगर आप देखेंगे तो अगर इनकी PNL में सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट आप एक इंडिकेटर इनके लिए हमेशा ट्रैक करेंगे कि एम्प्लॉय पर रेवेन्यू कितना आ रहा है, एम्प्लॉय पर प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो जो इनका हेड काउंट है वो तो कम हुआ है, उसी के साथ साथ जो इंटरेस्टिंग ये एक तो वैल्यूएशन अगर कंपेरेटिवली IT में अगर आप देखेंगे जैसे कुशल ने भी आपको कहा तो कंपेरेटिवली मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी प्राइज्ड इन है, और जो मैनेजमेंट जो साउंड कर रहा था कॉशियसली अप्रोच जो यूरोप में, और वो बता रहे हैं कि वहां पर उनका अप्रोच अभी भी कॉशियस है, तो एक ये वाली सिचुएशन जो मुझे आउटलुक के हिसाब से अभी भी अनसर्टेनिटी दे रही है, जो पहले भी थी, हालांकि अभी कोई नई बात नहीं है, पर ये जो कॉशियस अप्रोच जो मुझे थोड़ा और इंटेंसिव होता हुआ दिखा, और उसी के साथ साथ ये हेडकाउंट को कम करना जनरली अगर आप देखेंगे कहीं टाइम बाद ये चीज हुई है, तो उस हिसाब से मुझे ये सेंटिमेंटली और ओवरऑल आउटलुक के हिसाब से नेगेटिव दिख रहा है, और वैल्यूएशंस इनके ऑलरेडी मुझे कंपैरेटिवली उस चीज को है ऑलरेडी प्राइस्ड इन देखते हुए दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको यहां पे TCS जो है वो सेल करना चाहिए, टारगेट रखना होगा 3214 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 3350 का। ये तो हो गई फ्यूचर्स की कैटेगरी। अब ऑप्शंस पे अगर आप आ जाएं तो ऑप्शंस में सबसे पहले अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर को आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होगा 120 का। उसका रीजन क्या है पहले मैं आपको बताता हूं कि कॉपर के भाव में आपने देखा है कि लगातार सुधार होता हुआ जा रहा है। अगर कॉपर के प्राइसेस जो है वो पिछले 7 महीने के हाई पर आते हुए दिख रहे हैं, और अगर आप लास्ट 5 दिन की बात करें तो वहां पे 8% की बढ़त आती हुई दिखी है, तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होगा 120 का, जो आपको 3.65 का मिल रहा है। टारगेट रखेंगे 4.75 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 3.3 का। ये तो होगा मेरा ऑप्शन। आपके लिए ऑप्शन में आपने किस चीज को क्या बाय करा है, क्या सर? बिल्कुल अरमान, मैंने भी खरीदारी का ही कॉल लिया है, और हिंदुस्तान कॉपर मैंने कल भी आपको बताया था यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, और आज भी अरमान का कन्विक्शन, इनफैक्ट हमारी तरफ से जो कन्विक्शन है और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है, तो डेफिनेटली आप इसको अपने रेडार पर रखिए। तो चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में अरमान ने आपको हिंदुस्तान कॉपर बताया, मेरी तरफ से आप हिंडाल को ले लीजिए 470 रुपए का कॉल ऑप्शन, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। मेटल स्पेस में बहुत ही बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आ रही है, एंड खासकर अगर आप अमेरिका में जो US की वन ऑफ द बिगेस्ट एल्यूमिनियम कंपनी है अल्कोआ, उसके शेयरों का प्राइस देखेंगे तो करीबन 8% तक की दमदार तेजी वहां पर देखने को मिली थी। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को में आज फर्दर तेजी बन सकती है, तो इसको खरीद कर चले। 470 रुपए का एट द मनी कॉल ऑप्शन है, 13 रुपए के आसपास उपलब्ध है। 25 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 10 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए पहली 3 कैटेगरीज तो हमने अपनी तरफ से आपको बता दी हैं, कौन से स्टॉक है, कौन से लेवल्स हैं, पर आगे और भी कैटेगरीज बाकी है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और अरमान से जानते हैं कि उन्होंने इस कैटेगरी में क्या चुना है। देखिए टेक्निकली मैंने जो चूज करा है वो है ब्रिटानिया, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे यहाँ पर जो चार्ट सेटअप, ओवरऑल अगर लंबा चार्ट सेटअप आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कंपेरेटिवली आप चार्ट के हिसाब से ही जो स्टॉक है वो बढ़िया दिख रहा है, तो आपको ब्रिटानिया बाय करना होगा, टारगेट रखना होगा, और ये मैं कैश की बात कर रहा हूँ, आपको कैश में करना होगा बाय 4490 का, और स्टॉप लॉस रखना होगा 4310 का। तो ये सेक्टर ओवरऑल FMCG पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल कंपेरेटिवली यहाँ पर अच्छा डिफेंस प्ले है, और चार्ट भी कंपेरेटिवली यहाँ पे बढ़िया दिख रहा है, तो टेक्निकल मेरे हिसाब से होना चाहिए यहाँ पर ब्रिटानिया।
बिल्कुल अरमान, तो ब्रिटानिया यहाँ पर इस स्टॉक पर फोकस रखिए, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है, 400 मजबूती के इंडिकेशंस देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए टेक्नोपिक के आधार पर मैंने अपनी तरफ से चुना है नालको का काउंटर, तो हिंडालको तो मैंने आपको बताया ही, साथ ही आप दूसरा एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ काउंटर उसको भी अपने रेडार पर रखिए, तर्क सिमिलर है जैसा कि हिंडालको में आपको बताया था मैंने। अल्कोआ में लगभग 8% तक की दमदार तेजी हमें कल के सत्र में बनती हुई दिखी थी, तो उसका क्लियर कट पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि आपको आज इस स्टॉक पर भी आता हुआ नजर आए। इनफैक्ट टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पर भी देखेंगे तो कल के सत्र में यहाँ पर अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग भी होती हुई नजर आई थी, तो 2 से 2.5% की तेजी कल के सत्र में रही थी, तो स्ट्रक्चर स्टेबल टू पॉजिटिव साइड पर है और साथ ही ये खबर अल्कोआ के लिए आती हुई दिख रही है, तो डेफिनेटली आपको नालको खरीदारी करके चलिए, 86 रुपए के टारगेट के लिए 81 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडा पिक में मुझे एक ईवी कंपोनेंट रिलेटेड जो स्टॉक है सोना BLW प्रिसिजन, उस पर अब फोकस बढ़ रहा है। अब इसका रीजन एक और भी है क्योंकि इनके लिए खबर आती हुई दिख रही है कि इन्होंने सर्बिया की एक कंपनी है नोवेलिक, उसमें 54% हिस्सेदारी ये खरीदती हुई नजर आएगी लगभग 357 करोड़ में। एंड मोर इंटरेस्टिंगली अगर आप कंपनी का कारोबार देखेंगे यहाँ पर जो कंपनी को इन्होंने अधिग्रहण किया है, ऑटोनॉमस कनेक्टेड व्हीकल्स जो टेक्निक है उसमें आगे बढ़ने का इरादा ये रखते हैं, तो डेफिनेटली ऑटो कंपोनेंट्स तो है ही इनकी एक USP, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और अगर यहाँ पर ऑटोनॉमस और कनेक्टेड व्हीकल टेक्निक्स को लेकर भी ये फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आते हैं तो एक पूरा प्रोडक्ट बंडलिंग आपको होता हुआ दिखेगा, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि सोना BLW प्रिसिजन आपको बाई कर चलना चाहिए, पर अवधि इसमें लंबी रखिए, 12 महीनों के हिसाब से 500 रुपये के टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को भी मिल सकते हैं। इनफैक्ट CLSA तो यहाँ पर उन्होंने भी अपग्रेड कर दिया और परफॉर्म से बढ़ाकर अब रेटिंग खरीदारी की दे रहे हैं और ये मेरे से ज़्यादा 535 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं, तो CLSA कंपेरेटिवली ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं, तो इस वजह से सोना Precision, आपको खरीदारी करने की राय है। देखिए फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर मैं एक स्टॉक बताऊं, और ये स्टॉक मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जनरली मैं ट्राई ऐसा कर रहा हूं कि आपको ग्लोबली जितना कम एक्सपोजर हो उतना दूं अगर आप इस अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं, पर ये स्टॉक एक्सपोजर है ग्लोबली पर फिर भी मैं इसको सेफ बेट कर रहा हूं, वो है पॉलीप्लेक्स। अब उसका रीजन क्या है कि ये बात डेफिनेटली चल रही है कि चलो यूरोप में रिसेशन आएगा, US में रिसेशन आएगा, पर आपको ध्यान रखना होगा कि कंपनी का 70% जो आय आती है वो एसेंशियल कमोडिटीज से आती है, उसकी पैकेजिंग से आती है, तो वहां पर तो उतना फर्क नहीं, और जो 30% का जो रेवेन्यू वो भी डाइवर्सिफाइड है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे हाई से ऑलरेडी लगभग 50% ज्यादा अभी तक ऑलरेडी अगर नीचे है जो गिर चुका है, और कंपनी की लगातार डिविडेंड यील्ड और कंटिन्यूअस बढ़िया कैश फ्लो है। अगर आप 2008 का भी एनुअल रिपोर्ट उठा के देखेंगे ना, वहां पर रिसेशन उठा के देखेंगे, वहां पर भी उस टाइम पर भी कंपनी ने कंपैरेटिवली बढ़िया परफॉर्मेंस कराया, जितने कंपैरेटिवली पीयर्स थे उनसे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कराया, क्योंकि कंपनी लगातार बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती जा रही है और FIs का लगातार स्टेक, तो जो हमेशा हर बार बताया है आपको कि वहां पर लगातार स्टेक बढ़ता जा रहा है, हालांकि अभी क्यों आने का जरूर देखना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म इनका जो US का जो कैपेक्स है वो खत्म होने के बाद ये US में सबसे कॉस्ट लोएस्ट कॉस्ट कंपटीटर बन जाएंगे, प्रोड्यूसर बन जाएंगे, इसलिए पॉलीप्लेक्स आपको बाय करना होगा, ड्यूरेशन रखना होगा 18 महीने का, 18 महीना का ड्यूरेशन ज्यादा दे रहा हूं मैं, और टारगेट रखना होगा 2000 का। ये तो हो गया फंडा पिक, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पिक की ओर। इन्वेस्टमेंट पिक में आपको करना है ओबेरॉय रियल्टी, जैसा कि रियल एस्टेट स्पेस पर मैं शुरू से ही बहुत बुलिश हूं, क्योंकि जितना भी हमने मैनेजमेंट को समझा, एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, अर्निंग्स कॉल समझी है, उससे ये चीज क्लियर है कि ये जो बुल रैली जो चली है ये लंबी चलने वाली है, 1-2 साल में सबसाइड नहीं होने वाली है, और अगर आप न्यू लॉन्चेस देखेंगे और जो बड़े लॉन्चेस स्पेशली जो प्रीमियम और अपर प्रीमियम की अगर बात करेंगे वहां पर जो लॉन्चेस होते हैं उनकी बुकिंग जो आती हुई जा रही है वो कंपेरेटिवली बहुत बढ़िया आती हुई जा रही है, और ओबेरॉय रियल्टी की एक और स्पेशलिटी है मैं आपको बता दूं कि ये है अगर नेट डेट टू अगर आप EBITDA देखेंगे या फिर डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे कंपेरेटिवली काफी कंफर्टेबल है इनका, उस हिसाब से ओबेरॉय रियल्टी में आपको बैट करना होगा, ड्यूरेशन रखना होगा 1 साल का और टारगेट रखना होगा 1050 का। ये तो गई मेरी इन्वेस्टमेंट पिक। कुशल आपकी इन्वेस्टमेंट पिक क्या है? बिल्कुल अरमान, ओबेरॉय रियल्टी डेफिनेटली यहाँ पर आपको अच्छी खरीदारी के मौके अभी बनते हुए नजर आ सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव बताया अरमान ने, तो चलिए यहाँ पर ओबेरॉय रियल्टी तो अरमान की तरफ से हो गई, SBI लाइफ मेरी तरफ से है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। आप देखिए लगातार 950-960 के लेवल से अब आप देखिए यहाँ पर किस तरह की तेजी इसमें बनती हुई नजर आई है, और लगभग 1300 रुपये के पार ये जाता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली इंश्योरेंस स्पेस की अगर आपको कोई कंपनी, दिग्गज कंपनी चुननी है जो पेरेंटेज है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए SBI लाइफ यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कल के सत्र में भी चार्ट स्ट्रक्चर बेहद शानदार रहा है, अगले 1 साल के लिए 1500 रुपये के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और फाइनल कैटेगरी अभी ब्रेक के पहले, जो है चमनलाल सेठिया, यहाँ पर फोकस रखना है खबरों के दम पर। रीजन क्लियर है, LT फूड्स में जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है कि यहाँ पर चावल एक्सपोर्ट से सरकार रोक हटा सकती है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। 130 रुपये की प्राइसिंग है, 135 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और स्टॉप लॉस लगाइए 128 रुपये का।
रीज़न सेम जो कुशल ने बोला, मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूंगा, वही रीज़न है और मेरा स्टॉक है, आपको आपको न्यूज़ के हिसाब से लेना है KRBL। वही रीज़न है जो कुशल ने बताया ब्लूमबर्ग के वाले से, खबर आती कि राइस एक्सपोर्ट्स पर जो हो सकता है वो रोक हट सकती है, इसलिए आपको KRBL जो है बाय करना होगा, टारगेट रखना होगा 402 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 385 का। चलिए तो राइस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उस पर तो आपको फोकस रखना ही है खबरों के दम पर, और अभी तक जितने हमने आपको स्टॉक्स बताए हैं उसको आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में शामिल कीजिए। पढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी जो कि है माय चॉइस, उसकी तरफ। तो माय चॉइस कैटेगरी में मैं आपको बता दूं कि मेरे भी तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल्स हैं। इसमें सबसे पहला है टेक महिंद्रा। यहां पर डेफिनेटली इन्फोसिस को लेकर, जैसा कि मैंने आपको तर्क बताया कि बड़े प्लेयर्स को वेंडर कंसोलिडेशन का फायदा हो सकता है, तो टेक महिंद्रा में भी आप खरीदारी करिए 1050 के लक्ष्य के लिए, 995 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा कॉल है IRB इंफ्रा पर, यहां पर भी खरीदारी करने की राय है, और ये इसलिए क्योंकि दिसंबर महीने के जो टोल कलेक्शन आते हुए दिख रहे हैं वो काफी अच्छे रहे हैं, 32% सालाना आधार पर बढ़त है और 6% की बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आपको देखने को मिली है। तो 314 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको IRB इंफ्रा में भी खरीदारी करनी है, 299 का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल लंबी अवधि के लिए है महिंद्रा इन महिंद्रा पर, यहां पर आप कॉल लेकर चल सकते हैं, खरीदारी कीजिए। अगले एक साल में आपको 1560 रुपए के लक्ष्य भी ये दिखा सकता है, जिस तरह से SUV सेगमेंट पर कंपनी का बड़ा फोकस बन रहा है वो एक अच्छा इनके लिए कैटलिस्ट बन सकता है आगे की ग्रोथ के हिसाब से। तो M&M यहां पर खरीदारी कीजिए 1560 रुपए के टारगेट के लिए, 12 महीनों का आपका होगा होल्डिंग पीरियड। देखिए माय चॉइस में सबसे पहले आपको लेना होगा वो है CE इंफोसिस्टम, या जिसको आप जानते हैं मैप माई इंडिया में, क्योंकि एक जिस बिजनेस सेगमेंट में वो काफी बढ़िया है, इनकी ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है, मार्जिन्स लगातार जो है आने वाले समय में भी इंप्रूवमेंट होने वाले हैं, और कंपनी के मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव साइन कर रहा है, उसी के साथ साथ कंपनी के पास काफी बढ़िया कैश एंड बुक है। तो आपको ड्यूरेशन रखना होगा एक साल का और टारगेट रखना होगा 1250 का। दूसरा स्टॉक हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि अगर आप देखेंगे जिंक के भाव में आपको तेजी आती हुई दिखी, अगर आप कल देखेंगे, कल लगातार अगर आप देखेंगे कल लगभग 5% के 4.5% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी, तो पर सेंटिमेंटली यहां पर भी आपको पॉजिटिव हो सकता है, टारगेट रखना होगा यहां पर 348 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 334 का। और अंत में अगर आप बात करें माय चॉइस की थर्ड पिक के, वो है रेन इंडस्ट्रीज। जैसा कि कुशल ने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम के भाव में जो तेजी आ रही है, तो ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका जो यूज होता है वो एल्यूमिनियम बनाने में यूज होता है, तो अगर उधर फायदा होता है तो इनको भी फायदा होने वाला है। तो यहां पर भी आपको बाय रखना होगा, टारगेट रखना होगा 180 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 173 का, और ये कैश के भाव बताए मैंने। चलिए तो हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स तो बता दिए हैं, पर जल्दी से इनका एक क्विक रिकैप भी देख लेते हैं। कैश सेगमेंट में मैंने स्टॉक चुना है LT फूड्स का, जो चावल एक्सपोर्ट से सरकार रोक हटा सकती है, सब लुम्बक के हवाले से खबर आ रही है, वो सभी राइस स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही इन्फोसिस और बड़े दिग्गज जो IT प्लेयर्स हैं, हो सकता है कि वहाँ पर आज अच्छी तेजी देखने को मिले। साथ ही अल्कोआ में जिस तरह की तेजी आई अमेरिकी बाजारों में, हिंडाल्को और नाल्को अपने रेडार पर रखिए। फंडा पिक के लिहाज से सोना BLW प्रिसिजन, यहाँ पर अगले एक साल में 500 रुपये के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। SBI लाइफ अगले एक साल में 1500 रुपए के टारगेट्स के लिए प्ले ऑन कर चलिए। और साथ ही चमनलाल सेठिया, यहां भी राइस स्टॉक की जो खबर आती हुई दिख रही है, 135 रुपए के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। और माय चॉइस कैटेगरी में टेक महिंद्रा, IRB इंफ्रा और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा पर आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज का बेस्ट पिक जो मेरा बन रहा है वो है सोना BLW प्रिसिजन, इसको खरीदारी कर चलिए। जिस तरह से यहां पर सर्बिया की कंपनी में इन्होंने अपनी खरीदारी की है वो पॉजिटिव है, और साथ ही CLS ने भी आउट परफॉर्म से बढ़ाकर अब रेटिंग बाई की कर दी है, 535 रुपए के लक्ष्य ये दे रहे हैं। अगले 12 महीनों में आपको यहां पर 500 रुपए के टारगेट तो देखने को मिल ही सकते हैं। देखिए कर लेते हैं रिकैप। सबसे पहले कैश में इरकॉन इंटरनेशनल, क्योंकि यहां पे FPI ने जो हिस्सेदारी बढ़ाई है उसके चलते TCS आपको सेल करना होगा। हिंदुस्तान कॉपर ऑप्शंस आपको बाय करना होगा, क्योंकि कॉपर के भाव में सुधार के चलते इनको फायदा मिल सकता है। टेक्निकली ब्रिटानिया अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल के हिसाब से पॉलीप्लेक्स बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया कारोबार है, बढ़िया वैल्यूएशन है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ओबेरॉय रियल्टी, जहां पर भी आपको क्वालिटी सेक्टर है और कंपनी भी काफी बढ़िया है, वहां पे बाय करना होगा। खबरों के हिसाब से KRBL, जो राइस एक्सपोर्ट की खबर आती हुई दिखी है उसके चलते। और अगर आप माय चॉइस में, अगर सबसे पहले CE इंफोसिस्टम, मैप माय इंडिया, जहां पर आपको बढ़िया बिजनेस आउटलुक है, हिंदुस्तान जिंक को भी आपको बाय करना होगा, क्योंकि जो जिंक के भाव में तेजी है उसका फायदा मिलते हुए दिखेगा। और रेन इंडस्ट्रीज, जो एल्यूमिनियम के भाव में तेजी आई है उसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और इन सब में अगर मेरा बेस्ट पिक देखा जाए तो वो होगा पॉलीप्लेक्स, क्योंकि वो जिस सेक्टर में है, जिस वैल्यूएशन पे है, जो कैश फ्लो है, जितना कैगर से ग्रो कर रहा है, सब हिसाब से काफी बढ़िया दिख रहा है, तो वो आपको बाय करना होगा। तो चलिए हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो रिकैप आपको बता दिया है, पर बाजारों पर किस तरह की रणनीति आज बनानी चाहिए, कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है, और कल TCS के जो नंबर्स आए हैं पोस्ट मार्केट, उसका इम्प्लीकेशन हमारे बाजारों पर क्या होगा, इस चीज़ को भी समझते हैं। पर सबसे पहले एजिक्स निफ्टी भी एक क्विकली चेक कर लेते हैं, उस उधर क्या किस तरह की स्थिति चल रही है। लगभग 30 अंकों की गिरावट के साथ एजिक्स निफ्टी फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जब शो की हमने शुरुआत की थी तब भी 20-22 अंकों की गिरावट थी, तो बहुत ज़्यादा बदलाव पिछले आधे घंटे में हमें नहीं होता हुआ दिखा है। पर कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजारों में जो सेकेंड हाफ में ऊपरी स्तरों से फॉल आया,
लगभग लगभग ऊपरी स्तरों से 400 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली थी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी है आपको, इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। और कल की शानदार तेजी के बाद आज सुस्ती के हैं संकेत, और आप सबको लग रहा होगा कि आज हम थोड़ी हिंदुस्तानी वेशभूषा में, उसकी कुछ खास वजह है, वो बताते हैं और करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।